friends, welcome to Arjun Education. Today's our topic of discussion is a novel by D.H. LAWRENCE, Sons and Lovers. तो नॉवल शुरू करने से पहले हम D.H. LAWRENCE के बारे में कुछ बात करते हैं. D.H. LAWRENCE का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था and he was born on 11th September 1885 in Eastwood, UK और उसकी डेथ 2nd of March 1930 वेंस फ्रांस में हुई थी. D.H. LAWRENCE 20th सेंचुरी का एक महान नॉवलिस्ट है और जनरली इसने अपने नॉवेल्स में मॉडर्निज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों पर, लोगों के मन में और लोगों के रिश्तों में क्या असर पड़ा उसको बहुत ही ब्यूटिफुली अपने नॉवेल्स में पेंट किया है. इसके थीम्स और सिचुएशंस ऑफ द नॉवल वर वेरी अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल एंड अहेड ऑफ द टाइम्स. उसने अपने नॉवल में इस तरह की सिचुएशंस को प्रेजेंट किया है जो आम जिंदगी में देखने को नहीं मिलती. सन्स एंड लवर्स वॉज हिज मास्टरपीस. ये उसका थर्ड पब्लिश्ड नॉवल था जो कि 1913 में पब्लिश हुआ था और इस नॉवल को मॉडर्न लाइब्रेरी की 100 बुक्स ऑफ द 20th सेंचुरी में 9th रैंक पे रखा गया है. एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नॉवल इट वॉज बिटरली क्रिटिसाइज्ड ऑन द चार्जेस ऑफ ऑब्सेनिटी. द नॉवल इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर एंड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल पॉल मॉरेल, उसका कैरेक्टर खुद D.H. LAWRENCE की लाइफ पे बेस्ड है. उसकी माँ मिसेस गर्ट्रूड मॉरेल लॉरेंस की माँ लाइडिया है और मिस्टर वॉल्टर मॉरेल जो पॉल के फादर हैं उनका कैरेक्टर लॉरेंस के फादर ऑर्थर लॉरेंस की लाइफ पे बेस्ड हैं. नॉवल में मिस्टर वॉल्टर मॉरेल एक कॉलियर हैं, एक जो माइंस में काम करते हैं, कोल माइंस में काम करते हैं वैसा कैरेक्टर है और लॉरेंस के फादर ऑर्थर लॉरेंस भी एक कॉलियर थे. द होल नॉवल सेंटर्स अराउंड द लव एंड एडमिरेशन पॉल हैज़ फॉर हिज मदर एंड हिज इंटेंस हेट्रेड फॉर हिज फादर. वो अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता है और उसकी सारी ज़िंदगी का चक्र अपनी माँ के आसपास ही घूमता है और अपने पिता से बहुत नफरत करता है. दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं ये एक ऐसी माँ की कहानी है जो कि एक अनहैप्पी वाइफ है और अपने बेटों के थ्रू अपनी पोजीशन रियलाइज़ करती है और धीरे धीरे वही उसके जीने का मकसद बन जाते हैं और इस सब के चलते उसके बेटों की ज़िंदगी में क्या घटता है नॉवल उसको बहुत ही कन्विक्शन के साथ प्रेजेंट करता है. नॉवल को समझने से पहले हमें 20th सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड के कॉन्सेप्ट ईडिपस कॉम्प्लेक्स को समझना होगा क्योंकि हमारा पूरा नॉवल इसी पे बेस्ड है. दोस्तों सिगमंड फ्रॉयड ने ह्यूमन अनकॉन्शियस माइंड को ह्यूमन सेक्सुअलिटी के थ्रू एक्सप्लोर करने की कोशिश की है. ईडिपस कॉम्प्लेक्स इस एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि फ्रॉयड ने ग्रीक ट्रेजेडी ईडिपस टिरेनस से लिया है. ये एक ग्रीक हीरो पे बेस्ड है जिसका नाम ईडिपस है और उसने अननोइंगली अनजाने में अपने फादर का मर्डर किया था और अपनी माँ से ही शादी कर ली थी और इस सारी स्टोरी का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. आप वहाँ पे इस नॉवल को पढ़ने से पहले उस स्टोरी को ज़रूर पढ़िए, इससे आपको इस स्टोरी को समझने में बहुत मदद मिलेगी. जब सन्स एंड लवर्स लिखा गया उस समय फ्रॉयड की थ्योरीज पूरे यूरोप में एक सेंसेशन बन चुकी थी एंड दिस माइट हैव बीन द रीज़न फॉर लॉरेंस टू चूज सच अ टैबू सब्जेक्ट फॉर दिस नॉवल. सेक्स वॉज अ टैबू सब्जेक्ट, ये ऑल टाइम टैबू है क्योंकि इसके बारे में हम कभी भी ओपनली बात नहीं कर सकते, लेकिन D.H. LAWRENCE के मोस्टली सब नॉवेल्स का थीम ह्यूमन सेक्सुअलिटी से ही रिलेटेड रहता है और इस नॉवल का भी बहुत सारा पार्ट ह्यूमन सेक्सुअलिटी को ही एक्सप्लोर करता है. अब हम नॉवल पे आ जाते हैं. नॉवल शुरू करने से पहले अगर मैं पूछूं किसी नौजवान से ये पूछा जाए कि क्या वो अपनी माँ से प्यार करता है तो उसका जवाब होगा ऑफ कोर्स, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ. मगर सन्स एंड लवर्स हमें ये यकीन दिलाता है कि कोई नौजवान अपनी माँ से कितना प्यार कर सकता है
इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती। नॉवल को हम दो हिस्सों पे बांट सकते हैं। पहले हिस्से में हम मिसेस मॉरेल को डिस्कस करेंगे और उसकी फैमिली लाइफ को, और दूसरे हिस्से में हम मिसेस मॉरेल के छोटे बेटे पॉल मॉरेल की बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है गर्ट्रूड कॉपर्ट से, जो कि शादी के बाद मिसेस गर्ट्रूड मॉरेल बन चुकी है। उसकी शादी मिस्टर वॉल्टर मॉरेल से हुई है। गर्ट्रूड एक बहुत ही इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ अ लेडी है, जो कि एक अरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करती है, और उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो दूसरे के आइडियाज़ को समझती है, सुनती है, और उसका रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट है। उसकी कुछ एस्पिरेशंस हैं, उसकी कुछ ख्वाहिशें हैं जिनको वो अपने हस्बैंड के थ्रू पूरा करना चाहती थी। दूसरी तरफ उसका हस्बैंड वॉल्टर मॉरेल है, जो कि एक माइनर है, कॉलियर है, जो कोल की खदान में काम करता है, और वो एक बहुत ही बेसिक, अनइंटेलेक्चुअल और सेंसुअस काइंड ऑफ अ पर्सन है। और वो उसकी इसी सेंसुअलिटी से प्रभावित होकर मिसेस मॉरेल ने, गर्ट्रूड ने उससे शादी कर ली थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो बहुत ही अनइनहिबिटेड है और वो बहुत लाइक इन्जॉयबल नेचर का पर्सन है। लेकिन शादी के बाद उसे ये पता चलता है कि उसने उससे बहुत सारे झूठ बोले हैं और उसका कोई पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है, और वो बहुत कुछ बातें उससे छुपाई गई, जो उसे धीरे धीरे करके पता चलती हैं कि उसने बिल्स पे नहीं किए, उसकी माँ के साथ उसकी बनती नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मगर वो अपनी वाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट नेचर का है, और अपनी वाइफ के ग्रेट आइडियाज़ और उसकी रिलीजन की फिलॉसफी को समझ नहीं पाता, और इसी वजह से उनके बीच में बहुत झगड़े होते हैं। नॉवल के फर्स्ट हाफ में लॉरेंस हैज़ यूज्ड अ लॉट ऑफ रियलिज्म, क्योंकि लॉरेंस उस टाइम पे उसने लिखना शुरू किया जब इंग्लैंड में इट वाज़ द स्टार्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर एंड नेचर स्टार्टेड टू सफ़र। एग्रीकल्चर लैंड पे इंडस्ट्री स्थापित कर दी गई, और उसकी वजह से जो प्योर नेचर थी इंग्लैंड की, जो बेसिक लाइक ग्रीनरी थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया जा रहा था, इकोनॉमी चेंज हो रही थी, मटीरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म आम जनता पे हावी हो रहा था, वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास सामने आ रहे हैं, और आम इंसान इन सब की वजह से अकेला होता जा रहा है। रिश्तों में दूरियाँ आती जा रही हैं, क्योंकि हर बंदा अपना एक पैसे का बेनिफिट देख रहा है। हर इंसान हर किसी ना किसी तरह से इंडस्ट्रियलिज्म का और उसकी वजह से पैदा हुए मटेरियलिज्म का शिकार है। तो डीएच लॉरेंस की जो बेसिक कोशिश है वो यही है कि इंडस्ट्रियलिज्म की वजह से हुए नुकसान और मॉडर्निज्म की जो वजह से आम इंसान एलियनेटेड होता जा रहा है, उसको डिपिक्ट करना। नॉवल की सेटिंग बॉटम्स नाम की एक कॉलोनी की है, जो कि नॉटिंगम शायर में है। ये एक ऐसी कॉलोनी है जहां पे सारे कॉलियर्स अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं। यहाँ कॉलियर्स का लाइफस्टाइल, उनकी फैमिलीज, उनकी फैमिली के क्वर्ल्स, उनकी वाइफ्स का एटीट्यूड और हर एक चीज़ जो उनके साथ ताल्लुक रखती है, उसको दिखाया गया है, और उसको बड़ा रियलिस्टिकली दिखाया गया है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डीएच लॉरेंस का भी फादर एक माइनर था, तो ये सारी चीज़ें उसने अपने बचपन में देखी थी। उसके बचपन में उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर भी देखा था। मिसेस एंड मिस्टर मॉरेल के ऑपोजिट नेचर की वजह से उन दोनों के रिश्ते में बहुत दूरियां आ गई थी, और मिसेस मॉरेल ने अपना सारा अटेंशन और प्यार अपने सबसे बड़े बेटे विलियम पे फोकस कर लिया था, क्योंकि ये सारा कुछ अपने हस्बैंड से वो नहीं पा रही थी। तो विलियम उसका सबसे बड़ा बेटा था, और वो भी अपनी माँ को बहुत अच्छे से समझता था, और वो अपनी माँ को एक विक्टिम समझता है जो कि उसके पिता के जुल्म का शिकार है। तो बड़ा होने पर वो इस बात के अपने पिता के खिलाफ खड़ा भी होता है।
विलियम भी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सक्सेसफुल भी होता है, बड़ा होने पे अपनी माँ को सपोर्ट भी करता है, और विलियम और उसकी माँ के बीच एक इडिपल बॉन्ड, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, वो डेवलप हो जाता है। उसकी जॉब लंदन में लग जाती है और वह शिफ्ट हो जाता है। यहाँ तक हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये विलियम की एक कोशिश है अपने आप को उस इडिपल बॉन्ड से आज़ाद करवाने की, मगर वो अपनी माँ के साथ इतना अटैच हो चुका है कि उसकी माँ उसे लंदन में भी कंट्रोल करती है। बाकी बच्चे पॉल, एनी और आर्थर अभी छोटे हैं। लंदन में विलियम का अफेयर जिप्सी लुइजा नाम की एक लड़की से होता है, जो कि विलियम की मदर मिसेस मॉरेल से बिल्कुल ऑपोजिट नेचर की है। वो एक बहुत बेसिक सी, अन इंटेलेक्चुअल सी और बहुत आम लड़की है। विलियम हर बात में उसका कंपैरिजन अपनी माँ से करता है, मगर जिप्सी इज क्वाइट डिफरेंट। मिसेस मॉरेल उसे जिप्सी के साथ अपना रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में अपनी माँ और अपनी बिलावट के बीच में एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, बहुत बीमार हो जाता है, उसके बाद वो मर जाता है। उसके जाने के बाद मिसेस मॉरेल एक बहुत डिप्रेशन के दौर से गुजरती हैं। घर, परिवार, बच्चे, उन सबको भूल जाती हैं। फिर वो पॉल जब बहुत बीमार हो जाता है तो उनको होश आती है। धीरे धीरे पॉल ठीक होने लगता है, मगर मिसेस मॉरेल की लाइफ की सारी कंसंट्रेशन का सेंटर अब पॉल बन जाता है। पॉल एक बहुत ही इमोशनल और आर्टिस्टिक बेंड ऑफ माइंड का लड़का है। पॉल और मिसेस मॉरेल एक दूसरे के जीने की वजह बन जाते हैं। विलियम का इडिपल बॉन्ड अब पॉल को घेर लेता है, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए सब कुछ है। अपने पिता से वो बहुत नफरत करता है, उसके ख्याल से भी नफरत करता है। यहाँ तक कि जब एक बार बचपन में उसके पिता चोट लगने की वजह से हॉस्पिटल में थे, तो पॉल उस दिन को अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में शुमार करता है। मिसेस मॉरेल की ख्वाहिश है कि पॉल अच्छी सोसाइटी में जिए, अरिस्टोक्रेट बने और अपना स्टेटस ऊँचा रखे। वो पॉल को बहुत ही सक्सेसफुल हुआ देखना चाहती हैं। और फिर पॉल की जॉब जॉर्डन नाम की एक फर्म में लग जाती है, जहाँ पे वो लेटर राइटिंग का काम करता है। तो यहाँ पे जो वर्किंग क्लास का पोर्ट्रेयल लॉरेंस ने किया है, वो बहुत ही रिमार्केबल है। उस दौर में वर्किंग क्लास की जो हालत है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, या जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा बिजीनेस और बोर्डम के शिकार हैं, वो सब कुछ लॉरेंस ने बहुत ही कन्विक्शन के साथ प्रेजेंट किया है। मिसेस मॉरेल अपनी सारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स अपने बेटों के थ्रू पूरी करना चाहती हैं, मगर इसी चक्कर में वो उसके बेटों पे क्या गुजरती है कभी देख नहीं पाती। पॉल की ज़िंदगी में मिलियन लीवर नाम की एक लड़की आती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और रिलीजियस है। वो उनके फैमिली फ्रेंड लीवर्स की डॉटर है, जिनका पास ही फार्म हाउस है। सो काफ़ी मिलने जुलने की वजह से पॉल और मिरियम एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। पॉल को मिरियम अपनी आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन लगती है, वो भी पॉल को बहुत पसंद करती है और उसे हमेशा एनकरेज करती है। मगर इस रिलेशन को पॉल कभी भी ओपनली एडमिट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी माँ को मिरियम पसंद नहीं। वो समझती है कि मिरियम इज़ सो एब्जॉर्बिंग, वो पॉल की सारी एनर्जी को सक कर लेगी और पॉल लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मगर असल में वो मिरियम से इनसिक्योर और जेलस फील करती हैं, क्योंकि मिरियम भी मिसेस मॉरेल की तरह ही एक डीप स्पिरिचुअल और रिलीजियस लड़की है। इसी वजह से वो नहीं चाहती कि मिरियम पॉल के साथ रहे। पॉल और उसकी माँ के बीच एक डीप स्पिरिचुअल अटैचमेंट है, जिसकी वजह से वो मिरियम से अपने सारे रिलेशन तोड़ देता है। अब उसकी ज़िंदगी में क्लैरा डाउस नाम की एक औरत आती है, जो कि एक इंडिपेंडेंट, सेंसुअस, सिंगल, वो डिवोर्सी है और ओल्डर भी है, पॉल से बड़ी है, लेकिन वो डीप नहीं है।
वो एक शैलो माइंडेड औरत है जो शायद विमेन के राइट के लिए भी फाइट वगैरह करती हैं. उसने अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो रिच है इसकी वजह से उसे, जिसका नाम बॉक्स्टर डाउस है, इसकी वजह से उसे उसने डिवोर्स भी अभी तक नहीं दिया है. इससे मिसेस मॉरेल बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है, मगर पॉल उसके साथ भी कमिटेड नहीं हो पाता. काफ़ी सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स के बाद पॉल उसका और उसके हस्बैंड बॉक्स्टर डाउस का पैचअप करवा देता है, क्योंकि अब तक पॉल भी ये समझ चुका है कि इस रिलेशन का फिजिकल सेटिस्फेक्शन के अलावा कोई फ्यूचर नहीं है. पॉल स्टोरी में एक सन लवर है जो कि अपनी माँ को अपने फादर से भी शेयर नहीं करना चाहता. उसके अकॉर्डिंग उसकी माँ दुनिया की सबसे परफेक्ट वुमेन है. शायद इसीलिए ही मिरियम को वह फिजिकल यूनियन के बाद भी नहीं अपनाता. मिसेस मॉरेल भी अपने बेटों की ज़िंदगी में आने वाली हर औरत को अपनी राइवल के तौर पे देखती हैं. फिर एक दिन ये डायग्नोज होता है कि मिसेस मॉरेल को एक ट्यूमर है, उनको कैंसर हो जाता है जो कि उनकी जान भी ले सकता है. ये पॉल मिसेस मॉरेल और मिसेस मॉरेल की लाइफ का एक बहुत ही पेनफुल फेज है, क्योंकि पॉल अपनी माँ को बहुत दर्द में देखता है. दिन ब दिन दर्द बढ़ता जाता है और पॉल अपनी माँ को दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी बहन एनी के साथ मिलके उसको मॉर्फीन की ओवरडोज दे देता है और उसकी माँ मर जाती है. मगर अपनी माँ के मरने के बाद भी वो मिरियम को नहीं अपनाता. मिरियम अपने और पॉल के रिलेशन को एक मौका और देना चाहती है, मगर पॉल डिप्रेशन में चला जाता है और यहाँ तक कि वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचता है कि शायद वो हेवन में अपनी माँ से मिल सके. मगर इन द एंड वो अपनी लाइफ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि वाकई में वो एक ईडिपल बॉन्ड का शिकार है. मगर फिर भी वो समझता है कि वो अपनी लाइफ में किसी औरत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और वो अपने लिए एक नए रास्ते की तलाश में चल पड़ता है. और इसी पॉजिटिव नोट के साथ नॉवल ख़त्म हो जाता है कि शायद कभी पॉल अपने आप को पा लेगा. दोस्तों, सन्स एंड लवर्स हर एस्पेक्ट से एक कंप्लीट नॉवल है जिसमें ह्यूमन लाइफ के सब एस्पेक्ट्स बड़ी ही खूबसूरती के साथ रियलिस्टिकली भी पोर्ट्रे किए गए हैं. लॉरेंस ने ह्यूमन माइंड की बहुत सारी अनकॉन्शियस लेयर्स को खूबसूरती के साथ रिवील किया है, वन बाय वन रिवील किया है. ये नॉवल इंटेलेक्चुअल माइंड और सेंसुअस बॉडी के बीच की एक जंग को, एक बैटल को पोर्ट्रे करता है जो कि लॉरेंस के ज़्यादातर खुद के एक्सपीरियंसेस से ही लिया गया है. इसके अलावा इंडस्ट्रियलिज्म का एक आम इंसान और उसकी साइकी पे क्या असर होता है उसको भी बखूबी दिखाता है. तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.